मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और आज के वीडियो का विषय है आमाशय पीड़ा को दूर करने वाला चूर्ण। आमाशय यानी पेट की पीड़ा, तो यह योग आमाशय की पीड़ा का नाश करके उसे प्राकृतिक अवस्था में लाता है। भूख खूब लगती है और सख्त से सख्त भोजन भी बहुत अच्छी प्रकार से पच जाता है। यह बहुत ही अचूक योग है, इसे बनाएं और प्रयोग करें। बड़ी ही साधारण औषधियों से यह योग बनाया गया है और फार्मूले की शुरुआत करने के पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को क्लिक करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत तुरंत पहुँचते रहें। तो यह योग अजवाइन और सौंठ के प्रयोग से बनाया गया है। आप सौंठ ले लें, उसको बारीक पीस करके पाउडर बना लें और कपड़ छान चूर्ण कर लें। दूसरी औषधि है अजवाइन, आप अजवाइन ले लें और उसको भी पीस करके बारीक पाउडर बनाएं और कपड़ छान करके बारीक चूर्ण बना लें और दोनों को समान मात्रा में मिला दें। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें। अब लोग पूछेंगे सेंधा नमक कितना मिलाएं, तो ये समझिए कि उसमें टेस्ट यानी स्वाद के अनुसार कितना आपको अच्छा लगता है उतना सेंधा नमक आप मिला लें, थोड़ा सा। आपका योग तैयार हो गया। यह योग इतना अच्छा है कि खाना खाने के बाद में 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से सेवन करें, खाया पिया तुरंत पच जाएगा और आपके शरीर में लगेगा। खट्टी डकार, अफारा, गैस, इन सब चीज़ों से आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। अगर अपच आम इकट्ठा है जो रस नहीं पच पा रहा है उसको भी ये पाचन कर देगा और आपका पेट हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे लोग शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पेट में खाना खाने के बाद दर्द होता है, ये उसके लिए बहुत ही अचूक नुस्खा है। आप प्रयोग करें और इसका लाभ लें। आपको लाभ मिले तो आप कमेंट करना न भूलें जिससे अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।